सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का आपके अपने चैनल आशू जी के ट्रिक में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस सेशन में इंग्लिश देखेंगे और मैं आपको बता दूं कि इस सेशन में जो हम इंग्लिश देखने वाले हैं वो किन किन लोगों के लिए उपयोगी होने वाली है। सबसे पहले पटवार के लिए, जो बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो बच्चे हाई कोर्ट के एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, जो बच्चे एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, जो बच्चे एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत बहुत उपयोगी होने वाला है। अब हम बताते हैं आप लोगों को, इससे पहले दो क्लास हमारी हुई हैं, उन दो क्लासेस में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जाना है। किसके बारे में जाना बेटा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में हमने जाना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समायोजन होना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। इसके हमने कुछ रूल्स देख लिए थे। पहला रूल क्या देखा हमने? एंड से रिलेटेड रूल्स हमने देखे कि जब दो सिंगुलर को एंड से जोड़ा जाता है तो वो प्लुरल हो जाता है। ऐसा हमने इससे पहले वाली क्लास में देख लिया था। उसके बाद हमने देखा कि जब दो को एंड की बजाय नॉट एंड से जोड़ दिया जाए। आप वीडियो, हर वीडियो देखें तभी आपको अगले वाला वीडियो समझ आता है, जब आप पहले वाला ठीक से देखते हैं तो। दूसरा बिंदु हमने बताया था कि नॉट एंड, जब आप दो सिंगुलर को नॉट एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है, पहले वाले कर्ता के अनुसार आती है, पहले जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है उसके अनुसार आती है। तीसरा बिंदु जो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब दो सिंगुलर एंड से जुड़े हों लेकिन वो एवरी या फिर ईच से मॉडिफाइड हो। किससे मॉडिफाइड हो? या तो एवरी से या फिर ईच से मॉडिफाइड हो और उसके बाद एंड से जुड़े हों, तब उनके बाद जो वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, एक वचन होती है। बेटा, हमने यहां तक देख लिया था, अब इससे आगे हम आज बढ़ते हैं। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, इसके आगे के जो पॉइंट्स पढ़ेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को एक सिनोनिम यानी एक पर्यायवाची शब्द और एक इडियम यानी एक मुहावरा बताऊंगा जो आप लोगों को आपके पटवार या फिर एलडीसी या फिर हाई कोर्ट की भर्ती है, जो भी भर्ती है उसमें बहुत उपयोगी होने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब हम शुरू करते हैं आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा वो कौन सा पॉइंट रहेगा। देखिए, मैं कुछ फ्रेजेस लिखता हूं बोर्ड पे, आप देखिएगा उनके साथ सिंगुलर आना चाहिए या प्लुरल आना चाहिए। जिस तरह से ये है, ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, ए टीचर एंड ए पॉइंट, एक तो ये लिखा हुआ है, ए टीचर एंड ए पॉइंट लिखा हुआ है, और एक लिखा हुआ है ए टीचर एंड पॉइंट, ये लिखा हुआ है ए टीचर एंड पॉइंट, दो है। मानो कि ये फ्रेजेस आपका सब्जेक्ट है, ये दोनों आपका सब्जेक्ट है, तो बताइए इसमें कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लुरल, और इसमें कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर या प्लुरल। पहले देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों सब्जेक्ट्स में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या बेटा? देखिएगा क्या रहा है, इसमें यहां ए है और इसमें यहां भी ए है, यानी दो सिंगुलर नाउन है, एक टीचर सिंगुलर नाउन है और दूसरा कौन सा है, पॉइंट सिंगुलर नाउन है। दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग किया हुआ है, यहां भी आर्टिकल का प्रयोग और उसके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग, ये हो गया। उसके बाद यहां देखिएगा, ये ए है, ये भी सिंगुलर है, ये आर्टिकल यहां, और इसके साथ देखिएगा आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहले तो आप दोनों में अंतर समझ लो। ये अंतर है कि जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन होंगे, कैसे नाउन होंगे, कॉमन नाउन होंगे, जिनमें से दोनों के साथ यदि आर्टिकल है, इस स्थिति में ये दो इंसान है, एक टीचर है और एक इसके अलावा कौन है, पॉइंट है, यानी दो आदमी है। और जब दो आदमी है तो आप सब जानते हैं कि जब दो होंगे
तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, दो के अनुसार आनी चाहिए, और दो के अनुसार जो वर्ब आती है वो हमेशा प्लुरल वर्ब आती है, वो हमेशा बहुवचन क्रिया आती है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी क्रिया आएगी बेटा, बहुवचन क्रिया आएगी, प्लुरल वर्ब आएगी। ये देखिएगा, ये एक ही आदमी जो टीचर है वो ही कौन है, पॉइट है। ऐसा पॉसिबल है? मानो मैं यहां आपको पढ़ा रहा हूं, टीचर हूं, दो घंटे के बाद चार घंटे के बाद मैं आपको खेल के मैदान में मिलूंगा, वहां आपको मैं खेलता हुआ मिलूंगा, तो वहां मैं क्या बन जाऊंगा, एक वहां मैं आपको एक प्लेयर के रूप में रहूंगा। तो मैं टीचर भी हूं और मैं क्या हूं, एक प्लेयर भी हूं, हूं तो एक ही आदमी। और एक आदमी के लिए बहुवचन की क्रिया यूज नहीं हो सकती, क्रिया भी कैसी होगी, एक वचन ही यूज होगी। और एक वचन को बेटा हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं, singular सिंगुलर कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये क्या नियम है, नियम समझिएगा आप लोग, जब दो कॉमन नाउन, जब दो सिंगुलर कॉमन नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और दोनों के साथ, दोनों के साथ क्या मिले आपको, आर्टिकल मिले, यहां आर्टिकल और यहां आर्टिकल, तब वो नाउन दो होते हैं, प्लुरल होते हैं, और उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी बेटा निश्चित रूप से बहुवचन होती है, प्लुरल होती है। समझ में आ गया? जब दो कॉमन नाउन एंड से जुड़े हो सिंगुलर, और एक के साथ आर्टिकल हो और दूसरे के साथ आर्टिकल नहीं हो, ऐसी स्थिति में वो सिंगुलर होते हैं। और वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, एक वचन आनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इस चीज को नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, नोट कर लीजिएगा, इसका नियम भी लिख लीजिएगा, आप लोग नोट बुक और पेन के साथ बैठे होंगे, आप लिख लीजिएगा इसका नियम भी क्या है, जब दो एकवचन नाउन, हिंदी में क्या लिखेंगे, एकवचन संज्ञा सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और क्या हो बेटा, दोनों के साथ आर्टिकल प्रयोग किया गया हो, और दोनों के साथ, दोनों के साथ आर्टिकल, ए आर टी आई सी एल ई, आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, प्रयोग किया गया हो, तो उसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, बोलिए बेटा कैसी होती है, प्लुरल होती है, बहुवचन क्रिया होगी। अब इसी को आप पे, ये ए बिंदु हो गया, इसी को बी लिख लो, जब दो एकवचन एंड से जुड़े हो और दोनों के साथ नहीं, और यहां लिख लीजिएगा एक के साथ, और एक के साथ, यहां हम लिख लेंगे एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया गया हो, दोनों में से एक के साथ, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, एस आई एन जी एल, सिंगुलर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अब हम इसको, हो गया, अब हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे, आपको चीजें एग्जांपल से ज्यादा ठीक से समझ आएंगी। देखो एग्जांपल लिखिएगा, आप जो तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में आपसे एरर पूछे जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछे जा सकते हैं, तो हम दोनों तरीके से लिखेंगे, पहले फिल इन द ब्लैंक्स का देखिएगा, उसके बाद एरर का देखिएगा। जैसे अपॉइंट एंड ए टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, अपॉइंट एंड ए टीचर डैश 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 वॉज वर अवॉर्डेड, ए डब्ल्यू ए आर डी ई डी, वॉज अवॉर्डेड। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन ये है, वॉज और वर, यही ऑप्शन है आपको देखना है, ए टीचर एंड अपॉइंट, कितने आदमी है भाई ये बताइएगा, एक है या दो है, निश्चित रूप से कितने हैं, दो हैं। कैसे पता चला आपको बताइएगा, आपको ऐसे पता चला, यहां भी ए है और यहां भी क्या है, ए है, जब दोनों के साथ ए हो तो आपका सब्जेक्ट जो है वो प्लुरल माना जाता है, पॉइंट अलग है और टीचर अलग है, और प्लुरल के लिए हमारे पास कौन सी वर्ब है बेटा, वर वर्ब है। क्लियर, यही सेंटेंस यदि आपका इस तरह से हो, कैसे, ये सेंटेंस है अपॉइंट एंड टीचर, बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है, अपॉइंट एंड टीचर, उसके बाद ये देख लीजिएगा, वॉज वर अवॉर्डेड, ए डब्ल्यू ए आर डी ई डी, अवॉर्डेड का मतलब होता है सम्मान किया जाना,
क्या किया जाना, सम्मान किया जाना। तो आप यहां लिखेंगे, देखिएगा इसमें ऐसे समझ लो इसको, ये ए है और यहां ए नहीं है, इसका मतलब यहां आर्टिकल नहीं है। जब आर्टिकल नहीं है इसका मतलब जो पॉइंट है वही कौन है बेटा, वही टीचर है। पॉइंट है वही क्या लिखता है, जो टीचर है वही कविताएं लिखता है। तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, और ये क्या आ गया, वॉज। क्लियर है, ये किसी को भी समझ आ सकता है, डरने की आवश्यकता है ही नहीं। कम से कम इंग्लिश में तो डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें समझाएंगे, आप बिल्कुल मत डरो बेटा कि अंग्रेजी थोड़ी ना है ये। अरे भाई, जो बच्चा जीके समझ सकता है, जो बच्चा साइंस समझ सकता है, जो बच्चा कंप्यूटर समझ सकता है, क्या उस बच्चे के ये बात समझ में नहीं आती कि ए यहां लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, तो ये बहुवचन होता है, बहुवचन में वर लगाना चाहिए, ए यहां लगा हुआ है, यहां नहीं लगा हुआ है, तो एकवचन होना चाहिए, और एक क्या है, वॉज। तो इसमें कौन सी इंग्लिश पढ़ा दी हमने, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंग्लिश सबसे आसान है, जिसके मैथमेटिक्स में चक्रवर्ती ब्याज समझ आ सकता है, जिसके समानुपात अनुपात समझ आ सकते हैं, जिनके प्रतिशत समझ आ सकता है, उसके इंग्लिश तो बहुत आसानी से समझ आ सकती है। बस आप धैर्य बनाए रखें, पेशेंस रखें, थोड़ी सी जुझारूपन दिखाइएगा, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब की बार हम देखेंगे एरर का क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन एरर के रूप में आता है। देखिएगा क्या क्वेश्चन हो सकता है एरर का, ए टीचर एंड ए पॉलिटिशियन, POLITICIAN, एक टीचर और एक पॉलिटिशियन, डैश 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 इज आर वॉज वर कमिंग COMING कमिंग हियर, यहां आ रहे हैं। क्या लिखोगे भैया आप, देखिएगा टीचर और पॉलिटिशियन, टीचर अलग है पॉलिटिशियन अलग है, आदमी कितने हो गए, दो हो गए, दो हो गए, तो क्या लेंगे हम, प्लूरल लेंगे, प्लूरल हमारे पास दो है, कौन कौन सी है, एक आर है और एक कौन सी है, वर है। ठीक है, इन दोनों को काट देते हैं, ये भी काट दिया, आगे देखिए कौन सी वर्ब है, आई एन जी, फटाफट चीजें को सीखिएगा, आगे क्या है, आई एन जी वर्ब है, आई एन जी का मतलब क्या होना चाहिए, इज एम आर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बोलिए मेरे साथ, इज एम आर होना चाहिए, और जब इज एम आर है तो हमारे पास आर भी है और क्या है, वर्ब भी है। अब क्या आना चाहिए, देखिएगा अ टीचर एंड ए पॉलिटिशियन आर कमिंग हियर या फिर वर्ब कमिंग हियर, दोनों आ सकते हैं। आर किसमें आएगा, प्रेजेंट टेंस होता तो क्या आएगा, आर आएगा, और पास्ट होगा तो क्या आएगा, वर आएगा। दोनों चीजें इसमें पॉसिबल हैं, क्योंकि हमें कहीं नहीं दिखा रहा, जिस तरह से ये है आर कमिंग हियर टूडे लिखा होता है, टी ओ डी ए वाई टूडे, समझ में आ गया। अब बताइए कौन सा आएगा, अब वर नहीं आ सकता है, क्या आएगा, आर। देखिएगा अ टीचर एंड ए पॉलिटिशियन आर कमिंग हियर टुडे, टुडे यानी आज, आज का मतलब है टेंस किसमें है, प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में है तो क्या आएगा, आर आएगा। समझ में आ गई बात बेटा, चलो एक सेंटेंस और लिखिएगा ऐसा, खूब सारे एग्जांपल्स देखिएगा, देखिएगा A doctor and scientist, S-C-I-E-N-T-I-S-T, देख लीजिएगा क्या लिखा है, A doctor and scientist have completed C-O-M-P-L-E-T-E-D, completed their project, P-R-O-J-E-C-T, P-R-O-J-E-C-T, स्पेलिंग देख लीजिएगा, P-R-O-J-E-C-T। अब बताइए इसमें एरर कहां है, पूरे सेंटेंस में देखिएगा एरर कहां है, पता चल गया सबको एरर, वेरी गुड। कैसे पता चला, क्योंकि यहां ए है और यहां ए नहीं है, इसका मतलब ये एकवचन है, सिंगुलर है, ये एकवचन का मतलब है यहां जो है ये क्या है, प्लूरल है, ये आपका एरर है, ये नहीं होना चाहिए था, यहां क्या लिखना चाहिए था, हैज लिखना चाहिए था, और हमने क्या लिखा, हैज ही लिखा है, ये
क्लियर कर दिया हमने, हैव के स्थान पे क्या लिख दिया, हैज लिख दिया हमने, इसलिए अब ये क्या हो गया है, सही हो गया है। बेटा इस तरह की चीजें आप लोगों को पूछी जाएंगी। एक पॉइंट हमने आज क्लियर कर लिया, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका नियम लिख लो क्या है, ये इसका नियम लिख लो पहले, अभी जो करवाया इसका रूल लिख लो। जब दो एकवचन संज्ञाएं जब दो एकवचन संज्ञाएं ब्रैकेट में लिख लो सिंगुलर नाउंस, जब दो एकवचन संज्ञाएं या सिंगुलर नाउंस, जब दो एकवचन संज्ञाएं एक ही व्यक्ति की तरफ, एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा करें, अर्थात एक ही व्यक्ति का, अर्थात एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करें, एक ही व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करें, या अंग्रेजी में लिख दो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें, एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करें, तो उसके बाद आने वाली वर्ब, उसके बाद आने वाली वर्ब एकवचन होती है। कैसी होती है बेटा, एकवचन होती है। आप ब्रैकेट में लिख लो दोनों में से एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग, एक ही आदमी का इशारा कैसे करेंगे, दोनों में से एक के साथ आर्टिकल का प्रयोग, ARTICLE आर्टिकल का प्रयोग, ठीक है। अगर दोनों के साथ आर्टिकल का प्रयोग है तो दो आदमियों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, प्लूरल आनी चाहिए। क्या ये बात आपके समझ आ गई, हमने इसके एग्जांपल्स भी लिख लिए और रूल भी लिख लिया। एक बिंदु हमारा क्लियर हो गया है, अब हम नेक्स्ट बिंदु की तरफ पढ़ते हैं, और वो क्या है देखिएगा, बहुत शानदार बातें आप लोगों को और बताने वाला हूं आज। देखिएगा जिस तरीके से ये है, स्लो एंड स्टडी, STEADY, स्लो एंड स्टडी, आपके पास ऑप्शन है विन और एक है विंस, विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। हैंडराइटिंग देख लीजिएगा, स्लो एंड स्टडी WIN विन और एक ऑप्शन है WINS विंस द रेस, क्या आना चाहिए इसमें। ये बहुत मानी हुई कहावत आप जानते हैं कि जो धीरे धीरे और लगातार चलता है वो जीत जाता है रेस को, तो इसमें हमेशा क्या आता है, विंस आता है, ठीक है। और विंस कौन सी क्रिया है बेटा, विंस एकवचन क्रिया है, ये यहां आप नोट कर लें कि विंस कैसी क्रिया है, एकवचन क्रिया है, ये भी समझ जाएगा आप लोग, विंस कैसी क्रिया है, एकवचन क्रिया है। इसका मतलब इन दोनों को ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब इन दोनों को क्या माना गया है, एकवचन माना गया है, स्लो एंड स्टडी ये सब्जेक्ट था, वर्ब कैसी आई, एकवचन आई, इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, क्या है बेटा बोलिएगा, ये दोनों भी एकवचन है, जबकि एंड से जुड़े हुए हैं, ये एकवचन क्यों है, इस बात को नोट कर लें आप। नियम क्या होता है, जब दो एकवचन संज्ञाएं, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सिंगुलर और ये सिंगुलर, दो एकवचन संज्ञाएं एंड से जुड़ी हों लेकिन एक ही भाव व्यक्त करती हों, क्या करती हों, एक ही भाव व्यक्त करती हों, एक ही भाव व्यक्त करती हों, कौन कौन करती हो एक ही भाव व्यक्त, दो एकवचन एंड से जुड़े हों संज्ञाएं, नाउन एकवचन एंड से जुड़े हों लेकिन एक ही भाव को व्यक्त करते हो, तो उनके बाद आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, एकवचन होती है। बेटा इस बार मैं नियम लिखवाऊंगा नहीं, बोल रहा हूं यही नियम नोट कर लो आप लोग, यही क्या है, जब दो एकवचन संज्ञाएं वेन टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जब दो एकवचन संज्ञाएं एक ही भाव को व्यक्त करें, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग, एक ही आइडिया को
EXPRESS एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करें तो उसके बाद आने वाली वर्ब एक वचन होनी चाहिए, क्योंकि एक ही भाव है, एक ही आइडिया है, एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही नोशन है, तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? एक वचन आनी चाहिए। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिखवा देता हूं, आप उन एग्जांपल्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आता है। मोस्ट प्रोबेबली तो यही क्वेश्चन आता है, क्या आता है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यही क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें आपको विंस लिखना है। दूसरा एग्जांपल इसका और लिख लो आप लोग, देखिए कैसा है, लिखिएगा बेटा राइस दाल, राइस चावल, राइस एंड करी, CURRY करी, कढ़ी जिसको आप लोग कहते हो, राइस एंड करी यानी कढ़ी और चावल, यानी आप भोजन की बात कर रहे हैं। बात तो दो है, राइस अलग है, कढ़ी अलग है, लेकिन एक ही भाव बता रहे हैं, भोजन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में राइस एंड करी इज आर माई फेवरेट डिश, माई फेवरेट FAVOURITE माई फेवरेट डिश, ये क्या है? मेरी फेवरेट डिश है। ये कौन है मेरी फेवरेट डिश? ये देखिएगा, यहां से चीजों को आप पे ठीक से करके चलेंगे, ये है पूरा राइस एंड करी, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, किससे जुड़े हुए? एंड से, लेकिन एक ही भाव व्यक्त कर रहे हैं, तो कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए, इज आना चाहिए। समझ आ गई? और एग्जांपल देखिएगा आप लोग, ऑनर, HONOUR, ऑनर होती है इज्जत, ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर एंड ग्लोरी, ग्लोरी भी इज्जत होती है, सम्मान होता है, ऑनर एंड ग्लोरी, ऑनर इज्जत, ग्लोरी इज्जत, इज और आर, इज और आर माय ओनली रिवॉर्ड्स, इज और आर माय Only reward, REWARD, is my only reward. अरे आप लोग जो मुझे क्या दे रहे हो, ऑनर दे रहे हो, ग्लोरी दे रहे हो, इज्जत दे रहे हैं आप सबके सब लोग, आप वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आप लोग लाइक्स दे रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे आप लोग कॉमेंट्स दे रहे हैं, यही मेरी क्या है, इनाम है, और मुझे यही इनाम आप लोगों से चाहिए। तो इसको हमने क्या लिख दिया, देखिएगा इसको हमने यूं लिख दिया, ऑनर एंड ग्लोरी, क्या लिख दिया हमने, इज, इज्जत ही हमारा बस इनाम है। आपने इज्जत दी, आपने वीडियो को देखा, आपने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स किए, अपने साथियों के साथ साझा किया, बस यही हमारा क्या है, इनाम है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इज लिखेंगे। समझ में आ गई बात भाई? एक और लिख लेते हैं, जिस तरह से केमल एंड कार्ट, CAMEL, केमल एंड कार्ट, ऊंट और गाड़ी, ऊंट और गाड़ी, कैमल एंड कार्ट, तो आप समझ जाएंगे कि ये भी क्या है, एक ही है, एक ही भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कैमल एंड कार्ट, ऊंट और गाड़ी, इज और आर ओनली व्हीकल, ONLY, ओनली व्हीकल, VEHICLE, ओनली व्हीकल इन डेजर्ट, DESERT, इन डेजर्ट, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में, क्या है, ऊंट और गाड़ी। हालांकि आजकल ऐसा नहीं है, हमारा रेगिस्तान भी आजकल बहुत अच्छा हो गया है, कम से कम जो बच्चे पश्चिमी राजस्थान के हैं वो इस वीडियो को देख के जरूर बताएं कि सर जी देखिए ऐसा नहीं है, कैमल एंड कार्ट, आज पश्चिमी राजस्थान भी बहुत आगे बढ़ गया है, वहां के लोग भी बहुत आगे, पढ़ाई में लिखो, सेना में लिखो, सर्विस में देखो, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में देखो, सिविल सर्विसेज में देखो, बहुत आगे जा रहे हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, इज लिखेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, इज, कैमल एंड कार्ट। तो ये क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, ये कॉन्सेप्ट हमारा ये था कि जब दो एकवचन, वापस समझ लीजिएगा, जब दो एकवचन संख्याएं, जब दो एकवचन यानी सिंगुलर नाउन, जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हों बेटा, ध्यान दीजिएगा, किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, और एंड से जुड़े होने के बावजूद क्या करते हों, EXPRESS, एक्सप्रेस सिंगल आइडिया, SINGLE, सिंगल आइडिया, यानी एक ही भाव को व्यक्त करते हों,
एक ही भाव को व्यक्त करते हो तो क्या होता है, उसके साथ क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए। तो ये आज का हमारा एंड का प्रयोग कंप्लीट होता है। इससे संबंधित जो भी एरर आएंगे आप उस एरर को बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, आप लोगों को मैं अंत के 5 मिनट होंगे तब आप लोगों को मैं कुछ बहुत अच्छे से वर्ड्स बताऊंगा, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हमें याद ही नहीं होते, सिमिलियर वर्ड ऑपोजिट वर्ड याद ही नहीं होते। अभी करवाता हूं बेटा, देखो कैसे करेंगे हम उनको। क्या वर्ड लिखे, चलो ये वर्ड लिखते हैं, एक अच्छा सा वर्ड। ये वर्ड हमारा देखिएगा इंट्रेपिड, ये वर्ड इंट्रेपिड, INTREPID, इंट्रेपिड वर्ड, इंट्रेपिड। सर जी आपने यही शब्द क्यों चुना, यही शब्द क्यों चूज किया? हमने ये शब्द इसलिए चूज किया कि ये वर्ड कहां पूछा हुआ है, SSC में पूछा हुआ है, ये वर्ड LDC में भी पूछा हुआ है, ये वर्ड और भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसलिए आई हैव चूजन दिस वर्ड, इसलिए हमने इस शब्द को सिलेक्ट किया आप लोगों के लिए। इस वर्ड के सिमिलियर वर्ड देखते हैं हम। इंट्रेपिड का मतलब होता है जो डरता नहीं हो, जो डरता नहीं हो उसको हम लिख कहते हैं फियरलेस, FEARLESS। क्या कहेंगे, फियरलेस, इंट्रेपिड, पिड, पिटने से जो डरता नहीं हो वो क्या कहलाता है, फियरलेस कहलाता है। इंट्रेपिड, याद रखिएगा वर्ड को, इंट्रेपिड का मतलब होता है फियरलेस, और फियरलेस का मतलब क्या होता है, अनअफ्रेड। दूसरा वर्ड होता है अन, AFRAID, अनअफ्रेड का मतलब होता है जो डरा हुआ नहीं हो। तीसरा वर्ड इसके लिए हम लिख सकते हैं बोल्ड, BOLD, बोल्ड। चौथा वर्ड हम लिख सकते हैं इसके लिए ब्रेव। अरे बेटा बहुत सारे शब्द लिखवाऊंगा आप लोगों को, आप याद कर लीजिएगा बस, बोल्ड, ब्रेव, फियरलेस। फिर वर्ड लिखते हैं हम एक पांचवा वर्ड एडवेंचरस, ADVENTUROUS, एडवेंचरस, डेरिंग, DARING, डेरिंग, एडवेंचरस का मतलब डेरिंग लिखेंगे। एक वर्ड और लिखते हैं, कौन सा लिखें, वैलियंट लिख लेते हैं, VALIENT, वैलियंट, VALIENT, वैलियंट भी क्या होता है बोलेगा भाई, ये सब के सब बहादुर लोग होते हैं, बहादुर को हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट, CONFIDENT, कॉन्फिडेंट। एक बार लिखते हैं करेजियस, CURAGEOUS, करेजियस लिख लेते हैं। ये सब कौन है, बहादुर शब्द हैं। इतने सारे शब्द आपको याद, एक कोई 2, 4, 5 याद रखिएगा, कैसे देखिएगा, याद कैसे करोगे, इंटेपिड सोल्जर, SOLDIER, आपको कैसा बनना है, इंट्रेपिड, बहादुर सिपाही बनना है ना आपको, तो आप सब लोग अभी से कहेंगे I am intrepid soldier, I am fearless soldier, I am unafraid soldier, I am bold, I am brave, I am adventurous, I am daring, I am valiant, I am confident, I am courageous। ये सारे शब्द आप काम में ले सकते हो। और इस तरह से आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।